फ्रेंड्स हम तो भैया को भी मैं दिखा रहा हूँ। भैया मेरा बर्धमान पहुँच गया है। कितना लेट है गाड़ी? तो फ्रेंड्स बाथरूम का क्वालिटी देख लीजिए, पूरा क्लीन है। लेना नहीं तो ये फंसवा देगा बीच में पूरी तरीके से। वाला 54, ये देखिए 54, ये मेरा है। फाइनली हम पहुंच गए सियालदा। सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल गांगुली ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आ गया हूँ बहुत दिनों बाद एक ट्रैवलिंग ब्लॉग लेके। सो फ्रेंड्स, कुछ भी बोलने से पहले मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और ये नवरात्रि के लिए ही मैं स्पेशली ये ट्रैवल ब्लॉग ला रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ आनंद विहार टू कलकत्ता। कलकत्ता में मैं थोड़ा पूजा वगैरह देखने जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल सब वहीं पे है। तो शुरू से आखिर तक ये ब्लॉग देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, और बिना स्किप करते हुए ये वीडियो देखिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्रैवलिंग ब्लॉग। मेरा लगेज यहाँ पे रेडी हो गया है, चार्जर लेना है, उसके बाद मेरा सिस्टर जो है मुझे छोड़ने जा रहा है। आपसे मिलते हैं और जर्नी आगे का दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूँ गोविंदपुर मेट्रो स्टेशन, ये देखिए। अब हम अंदर चलेंगे, चल के जाएंगे लाजपत नगर। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए अभी गोविंदपुर मेट्रो स्टेशन। तो अभी यहाँ से मेट्रो पकड़ के फिर चलेंगे आनंद। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम मेट्रो लेके चलेंगे सीधा आनंद विहार। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए आनंद विहार। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 7:40 और आप सामने देख सकते हो आनंद विहार स्वप्रम क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन आ चुका है। तो चलिए हम बैठेंगे इस ट्रेन के अंदर, और ट्रेन के अंदर क्या है, कैसा सीट है, कैसा बर्थ है, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए ये ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये देखिए B5 सियालदा टू आनंद साइड होगा। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ, ये देखिए पानी वानी ठीक है। तो फ्रेंड्स, बाथरूम का क्वालिटी देख लीजिए, पूरा क्लीन है। अभी 8 बजे, अभी भी 20 मिनट बाकी है। ये कौन सी ट्रेन है? स्वप्रम क्रांति एक्सप्रेस। और ये देखिए सभी चर्च, ये मेरा कोच है, ये वाला 54, ये देखिए 54 ये मेरा है। सो मैंने अपना लगेज ऊपर रख दिया है और नीचे भी रख दिया है। तो कुछ ऐसा है, क्लीन, बहुत ही क्लीन है, आप क्लीन देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस ट्रेन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये जो ट्रेन है ये आपको हफ्ते में एक बार मिलेगा और महीने में 4 बार मिल सकता है ये ट्रेन। और ये 7 स्टेशन पर रुक के चलता है, और राजधानी 17.5 घंटा है, और इसका है टाइम 19.5 घंटे का टाइम है। और इसके टिकट बुक करने के लिए आपको बहुत पहले से इसका टिकट जो है बुक करवाना पड़ता है, नहीं क्योंकि ये RSC वेटिंग लिस्ट मिलता है हमेशा। आज तो बच चुका है, अभी 20 मिनट और बाकी है। तो 20 मिनट बाद ये ट्रेन पूरा टाइम पे छोड़ देगा, और होपफुली देखते हैं कि कल 4:30 बजे तक ये ट्रेन पहुंचा दे हमें। बाकी ये राजधानी से 2 घंटा पीछे चलता है, और किराए का भी बहुत डिफरेंस है। राजधानी 2,500 रुपये लेता है और ये 1,700 रुपये, लेकिन ये ट्रेन सर्विस बहुत बढ़िया है। सो फाइनली देखिए 8:20 को ही छोड़ दिया हमारा ट्रेन, राइट टाइम पे है। बाकी आगे देखते हैं कब पहुंचता है। तो भैया को भी मैं दिखा रहा हूँ, भैया मेरा ब्लॉग देखता रहता है, तो मैंने सोचा भैया को भी इंक्लूड कर लूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते, नमस्ते। और कहाँ जा रहे हो आप? मैं
मैं जा रहा हूँ दुर्गापुर। दुर्गापुर? यस। अच्छा कलकत्ता नहीं? कलकत्ता नहीं, दुर्गापुर। अच्छा तो आगे सफर में भैया से भी मुलाकात होगा, आपको भी दिखाता रहूंगा। सो भाई देख लीजिए खाने में मैं क्या लाया हूँ, आलू की सब्जी और पूरी, बस ये दो ही आइटम मेरे लिए काफ़ी है, तीन चार पूरी और आलू के आइटम। तो अभी खा लेते, खाना खाने के बाद मिलते हैं। यार ये मेरा बिस्तर देख लो, आप लोग कमेंट पे बताना मैंने बिस्तर सही किया है कि नहीं किया है। बाकी टीटी साहब भी आ चुका है, टिकट दिखा देता हूँ उसके बाद बात करते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने तो खाना पीना हो चुका है, अब सुबह बात करेंगे आपसे, तो आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ, तो मिलते हैं सुबह आपसे, टाटा। सो फ्रेंड्स 8:30 बजे देखिए हम गोवा स्टेशन पहुंच गए हैं एकदम राइट टाइम पे। गोवा पे पहुंच गए 8:30 बजे, पूरा राइट टाइम है, अभी 5 मिनट बाद ट्रेन छोड़ देगा। घड़ी में 11:30 और राइट टाइम पे हम पहुंच गए धनबाद रेलवे स्टेशन। एक्सप्रेस धनबाद So, आपने देखा एकदम राइट टाइम पे हम धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए 11:30 बजे। आई होप ये 4:30 बजे तक सियालदा पहुंचा दे हमें, पिछली बार की तरह लेट ना हो। खड़ी में देखिए 2 मिनट लेट है पर हम पहुंच गए आसनसोल। ये देखिए पता नहीं आज का जो ट्रेन है वो एकदम राइट टाइम पे चल रहा है सप्रम कांति, ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारा ट्रेन नंबर भी दिखा देता हूँ आपको, ट्रेन साफ हो रहा है, टाइम ठीक आछे, ठीक टाइम में नेबे जाबे। देखिए हम एकदम राइट टाइम पे दुर्गापुर आके पहुंच गए हैं, ये रहा दुर्गापुर स्टेशन। भैया को छोड़ रहा हूँ, भैया फाइनली बाय बाय, मिलेंगे बाद में, भाभी बाय, हाँ बाय, मिलेंगे बाद में, अब हम चढ़ जाएंगे, 5 मिनट पे छोड़ देगा ये ट्रेन। और ये दुर्गापुर रेलवे स्टेशन है और बिल्कुल राइट टाइम पे चल रहा है, तो ऐसे राइट टाइम पे चलेगा तो 4:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे सियालदा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। हाँ उड़ा गए किंतु टीटी के बोल बे बुझले, उड़ा गए टीटी के इनफॉर्म कर बे, तुम्हें बोल बे जे जा टाका पैसा जे जेटा है आमी पे कर दीची, पे कर देवे ना ओरा एक्स्ट्रा फाइन चार्ज कर देवे तुम्हारे ऊपर। তোমার ওয়েটিং লিস্ট তো? ওটা টাকা তুমি রিফান্ড পেয়ে যাবে। হ্যাঁ তো এরা অনেক হ্যাঁ কথা বলে না, এরা অনেক হারামি আছে, এরা তোমার যাও করে চার্জ লাগিয়ে দেবে এক্সট্রা, আর টিটিকে বললে টিটি এসে তোমায় নিয়ে যাবে। वेटिंग का हमेशा पैसा आ जाता है। हाँ हाँ बस आप बात कर लेना नहीं तो ये फंसवा देगा बीच में बुरी तरीके से। फाइनली बर्धमान पहुंच गए, कितना लेट है गाड़ी, 10 मिनट लेट है ये गाड़ी। ये देखिए बर्धमान जंक्शन, तो बीच में थोड़ा सा कोई चेन पुलिंग किया था इसलिए ट्रेन थोड़ा सा रुक गया था, बाकी ट्रेन जो है वो बिल्कुल टाइम से ही है। ये देखो बर्धमान स्टेशन, अब छोड़ दिया वर्धमान स्टेशन से, हम जा रहे हैं सियालदा की तरफ, और ज़्यादा देर तक रुका नहीं इसलिए क्योंकि ये लेट थोड़ा पहुंचा है, 10-15 मिनट लेट, तो इसलिए छोड़ चुका है। तो फाइनली देखते हैं हम राइट टाइम पे पहुंचते हैं कि नहीं, 4:30 बजे का टाइम है,
सो फ्रेंड्स, ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये है काली माँ दक्षिणेश्वर का मंदिर है ये। और इस मंदिर पे मैं आया था और इसका एक ब्लॉग भी है मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक ऊपर में आई बटन पे दे दूंगा। देखिए मेरा कमरा देख लीजिए, अब पूरा खाली है, सब उतर चुका है, कोई बर्धमान, कोई दुर्गापुर, कोई आसनसोल, और मैं ही अकेला बाकी हूँ जो सियालदा का। तो चलिए मिलते हैं आपसे सियालदा से। सो फ्रेंड्स, देखिए हम फाइनली पहुंच चुके हैं सियालदा रेलवे स्टेशन, आगे ट्रेन चल रहा है, सियालदा रेलवे स्टेशन घुस रहा है अभी। तो ये रहा कुछ सियालदा स्टेशन, अभी इस तरफ एक ट्रेन खड़ा हुआ है, उस तरफ दो तीन ट्रेन खड़ा हुआ है, आगे सियालदा रेलवे स्टेशन है। तो आपसे मिलते हैं सियालदा रेलवे स्टेशन जाके, तो चलिए मिलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम सियालदा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी घड़ी पे टाइम हुआ है आपका 4:30 बज रहा है। तो हम सियालदा रेलवे स्टेशन पहुंच गए, मतलब टाइम पे है, 10 मिनट इधर उधर है बट टाइम पे एकदम बिल्कुल, पिछली बार की तरह 4 घंटा लेट नहीं है। तो थैंक यू शताब्दी शोप्रमगंती एक्सप्रेस को के टाइम पे पहुंचाने के लिए। चलिए बाहर जाके मिलते हैं। और ये था जर्नी। जर्नी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आप लोगों के लिए आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।